Hi everybody big things begin with big thinking broad minded today is 23rd and 24th september 2022 let us have a quick discussion of all these important topics this is telegram quiz everyday in morning we are having five such multiple choice questions join then this is quiz 142 geography which of the following rivers of africa drains into the mediterranean sea the answer is nile nile वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज करता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डेफिनेशन ऑफ करेंसी ड्रेन द आंसर इज अ कर ड्रेन इज एन इनक्रीज इन करेंसी हेल्ड आउटसाइड द बैंक मतलब वो बैंक में नहीं है वो करंसी बैंकिंग सिस्टम बैंक में नहीं है देन इट इज कॉल्ड करेंसी ड्रेन करेंसी ड्रेन विच ऑफ़ द फॉलोविंग कुड बी अज ऑफ डिमांड इनफ्लेशन डिमांड इन्फ्लेशन मतलब इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग लोग ज्यादा खर्चा कर रहे हैं और उसके कारण डिमांड ज्यादा आ रही है और इन्फ्लेशन हो गया है ओपन मार्केट ऑपरेशन बाय आर बी आई आर द पार्ट ऑफ इट्स मॉनिटरी पॉलिसी आज के सवाल है विच इज्रेट सेपरेट यूरोप फ्रॉम अफ्रीका यूरोप और अफ्रीका को कौन सी स्ट्रेट सेपरेट करती है विच ऑफ़ द फॉलोविंग इज नॉट कोस्ट लाइन कंट्री ऑफ पर्शियन गल्फ पर्शियन गल्फ का इनमें से कौन सा कोस्ट लाइन कंट्री नहीं है वन विल नॉट हैव टू पास थ्रू द स्वेज कैनाल वाईल गोइंग थ्रू बॉम्बे टू विच कंट्री विच कंट्री स्वेज कैनाल यहां पर नहीं आएगा किस प्लेस में हम जाएंगे फ्रॉम बॉम्बे टू विच प्लेस तो स्वेज कैनाल को पास नहीं करना पड़ेगा सु कैनाल कनेक्ट करती है किन दो प्लेसेस को किन दो वाटर बॉडीज को एंड द आसमान हाई डैम इज लोकेटेड इन विच कंट्री आज की वो है नार्सिज्म नार्सिज्म का मतलब हो सकता है अहंकार एक्सेसिव इंटरेस्ट इन और एडमायरेशन ऑफ वन सेल्फ सो फुल ऑफ वन सेल्फ इन वन फिजिकल अपेयरेंस वेंटेज का मतलब होता है व्यू पॉइंट स्टैंड पॉइंट अ प्लेस और पोजिशन अफोर्डिंग अ गुड व्यू ऑफ समथिंग का मतलब होता है प्रारंभिक सर्विंग एज एन इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्टरी मतलब अल्पभाषी और अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच इंट्रोडक्टरीट का मतलब होता है मजबूत करना गिव स्ट्रेंथ और एनर्जी टू सो ये वोकेबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलोंग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो देन दिस इज सी दिस टल एबिलिटी एंड आंसर दिस क्वेश्चन थर्ड ट्वेंटी फोर्थ सेप्टेंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के ये दो सवाल है वॉट इज द बेसिक प्रिंसिपल बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंडेशन डेवलपमेंट हाउ डू वैक्सीन वर्क वट अप्रोचेज वेड बाय द इंडियन वैक्सीन मैन्यूफेक्चर टू प्रोड्यूस कोविड नाइनटीन वैक्सीनेशन तो ये एक सवाल है इसके तीन पार्ट है तीनों पार्ट को एड्रेस करना है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड ऑकरेंस ऑफ क्लाउड बर्स इन द कॉन्टेक्सट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट जैसे अभी कितनी बारिश हो रही है नॉर्थ इंडिया में सो द पॉइंट इज ये जो क्लाउडबर्स जैसी फिजिकल जो फिन है जोग्राफिकल फिनोमिन है ये काफ़ी फ्रिक्वेंट होते जा रहे हैं सो थ्रू आउट द ईयर मैंने आपको बताया था क्लाउड बस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इससे सवाल आएगा एंड सी एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड ऑफ क्लाउड बस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट डिस्कस टू रिसेंट एग्जाम्पल्स तो ये सवाल है जीएस एस मेन्स का अभी जीएस एस मीनस टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सो ये दोनों सवाल हैं इन दोनों सवालों को आप प्रिपेयर करिए एंड देन यू कैन सबमिट योर आंसर टू दिस वेबसाइट रजन इंडिया डॉट व टेलीग्राम पे मैंने इसका फॉर्मेट और प्रोसीजर शेयर किया है देन सोशल मीडिया अपडेट्स देखते हैं तो आप हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी। आपका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 में बेगूसराय में रश्मि रथी परशुराम की प्रतीक्षा उर्वशी संस्कृति के चार अध्याय आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं आपको पद्म भूषण मिला साहित्य अकादमी मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला पटना कॉलेज से आपकी शिक्षा हुई थी आप तीन महान साहित्यकारों का ये दुर्लभ फोटो है इसमें हरिवंश राय बच्चन जी हैं नंदन पंत जी हैं और रामधारी सिंह दिनकर जी हैं देन आप हैं भीकाजी कामा विदेश में भारतीय ध्वज फहराने वाली आप पहली स्वतंत्रता सेनानी हैं आप हैं प्रीति लता वाडेडर आप जानी जाती हैं लीडिंग द पहाड़ी यूरोपियन क्लब ट्वेंटी थर्ड द ब्रिटिश सो ये हमारे फ्रीडम फाइटर है फ्रीडम फाइटर्स ट्वेंटी फोर्थ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड फोर्टीन को इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू एंटर मास ऑर्बिट इन द फर्स्ट अटेम्प ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट था देन दुर्गा पूजा दुर्गा पूजा कोलकाता में बहुत बहुत फेमस है वर्ल्ड नोन है ये एक रिप्रेजेंटेटिव है लिस्ट ऑफ आईसीएच ऑफ ह्यूमैनिटी आईसीएच ऑफ ह्यूमैनिटी यूनेस्को प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट किए क्या होता है आईसीएच ऑफ ह्यूमैनिटी ट्वेंटी फोर्थ ऑफ सेप्टेंबर इंडियन म्यूजियम कोलकाता तो दिस इज कल्चर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड संगीत नाटक अकादमी दुर्गा पूजो अभी फेस्टिवल इज कमिंग देन इट्स टाइम फॉर अवर वीकेंड क्विज सो जवाब दीजिए वॉट फूड फोर्टिफिकेशन अकॉम्प्लिश फूड फोर्टिफिकेशन ए बी सी और डी में से सही जवाब क्या है सो दिस इज वॉटर्स फूड फोर्टिफिकेशन अकॉम्प्लिश सो ये हुआ सोशल मीडिया अपडेट नाउ लेट लेटेस्ट कम टू द हिंदू न्यूज पेपर आज हम ट्वेंटी थर्ड का न्यूज़ पेपर ट्वेंटी फोर्थ का न्यूज़ पेपर ट्वेंटी थर्ड एंड ट्वेंटी फोर्थ ऑफ इंडियन एक्सप्रेस भी हम देखेंगे सो so आज आंसर राइटिंग का डिस्कशन नहीं करते हैं ऑलरेडी वेदर थोड़ा सपोर्टिव नहीं है वेदर डिफिकल्ट है और कल मेन्स एग्जामिनेशन भी है तो थोड़ा टाइम का क्रंच हो रहा है सो आई विल ट्राई टू बी रियली क्विक इन दिस सेशन इस वीडियो एंड ये सारे नोट्स मैंने यहां पे लगा रखे हैं इसको एक बार आप क्विक रीडिंग कर लेना ओके एग्जामिनेशन कल ऑप्शनल है मीन्स okay? एंड हो रहा है उसके बाद अब चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएगी फ्रॉम मंडे सो दिस इज द हिंदू दिस इज द हिंदू ट्वेंटी थर्ड ऑफ है वो है यूक्रेन इशू ऑफ प्रोफाउंड कंसर्न इंडिया ने यूएनएससी में कहा इसमें टेक क्या लेना है इसमें टेक ये लेना है जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि दिस इज नॉट द टाइम ऑफ टाइम ऑफ वॉर टाइम ऑफ वॉर देन दिस इज द फ्रंट पेज यहाँ पर है सून मास्क मे नॉट बी मस्ट इन दैली बट स्टिल कोविड इज स्टिल आउट दैर बी वेरी केयरफुल कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करिए एल एन वॉकर का अन मास्क यहाँ पर एक शो है देन अ फेवर ऑफ फेस्टिविटी इंटरनल डेमोक्रेसी यहाँ बात है जैसे जो इलेक्शन कमीशन है इलेक्शन कमीशन चुनाव किनका कराता है लोकसभा चुनाव कराता है राज्यसभा चुनाव कराता है विधानसभा विधान, विधान परिषद चुनाव कराता है बट लोकसभा और जो ये चुनाव है ये दिस इलेक्शन कमीशन का ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन का ड्यूटी है सिमिलरली स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वो थर्ड टीयर मतलब ग्राम पंचायत और दिस नगर पंचायत का चुनाव कराता है बट जब बात आती है किसी पार्टी की पार्टी की विद इन द पार्टी डेमोक्रेसी है या नहीं है यह फिर एक डिबेट हो जाता है सो ई सी आई राइट इन रिजेक्टिंग द नोशन ऑफ लीडर फॉर लाइफ इन पॉलिटिकल सी देन मैनेजिंग स्पोर्ट्स आर्टिकल प्राइमरली बताता है जैसे अभी फीफा ने फीफा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फुटबॉल एसोसिएशन पूरे वर्ल्ड का इसने इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन को सस्पेंड कर दिया था बिकॉज इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन में जो मैनेजमेंट रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जो वर्क था उसमें एक्सटर्नल से गवर्नमेंट का से आ रहा था ऐसा फीफा ने का गवर्नमेंट का से कैसे आता है जैसे इंडिया में अक्सर जैसे स्पोर्ट्स होते हैं चाहे वो क्रिकेट हो या फिर फुटबॉल हो या फिर टेबल टेनिस हो या फिर कबड्डी हो ऐसे अलग अलग स्पोर्ट्स हैं इन स्पोर्ट्स का एक एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन और अक्सर देखा गया है जो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो लाइक ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स उस स्पोर्ट्स उस स्पोर्ट्स पोजिशन को हेल्ड कर रहे और विद इन द बॉडी वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है और ट्रांसपेरेंसी नहीं है सो दैट इज़ वाई सुप्रीम कोर्ट ने बी को कहा था कि बी अपने वर्क में ट्रांसपेरेंसी लाए बी के जो डिसीजनस हैं बोर्ड्स हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी फेयरनेस होना ज़रूरी है सो दैट इज़ वाई सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक बॉडी बनाई थी जो बी के वर्क को गवर्न कर रही थी वर्क को गवर्न कर रही थी सिमिलर टाइप ऑफ जो बॉडी है गवर्नमेंट बॉडी है वो एडमिनिस्ट्रेशन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए से फुटबॉल में भी आया बैडमिंटन में भी आया लाइक दैट बट अब इंटरनेशनल बॉडीज़ कहती हैं कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस अगर यहाँ पे होगा तो स्पोर्ट्स बॉडी इंडिपेंडेंट वर्क नहीं कर पाएंगी सो देट इज़ वाई फिर ये क्लैश हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी फुटबॉल की उसको हटाया फुटबॉल इंडिया पे जो बैन लगा था वो लिफ्ट हुआ और फिर अंडर 17 वीमेन वर्ल्ड कप इंडिया में होने का प्रोग्रेस आगे कंटिन्यू हुआ तो द आइडिया इज ये एपिसोड ये भी बताता है कि पूरा जो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ एक ट्रांसपेरेंसी फेयरनेस लाना जरूरी है इंडियन एथलीट्स भी अक्सर क्या होता है जैसे एजुकेशन में होता है एजुकेशन में भी एट टाइम्स मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो डिसीजन ले रहा है और एक होते हैं टीचर्स एंड स्टूडेंट्स सो so, कई बार टीचर्स एंड स्टूडेंट साइडलाइन हो जाते हैं और मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन फोर फ्रंट पे हो जाता है एजुकेशन डिसीजन के सिमिलर चीज़ हो जाती है स्पोर्ट्स में कि स्पोर्ट्स में अगर जो एथलीट्स हैं स्पोर्ट्स पर्सनस हैं और जो एक्स स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको इस फील्ड का नॉलेज है जैसे कबड्डी का नॉलेज है बैडमिंटन का नॉलेज है लाइक like दैट तो अगर ये आगे बढ़ के डिसीजन लें रिगार्डिंग दैट स्पोर्ट तो स्पोर्ट्स का ज़्यादा बेनिफिट होगा तो द आइडिया इज यहाँ एक यहाँ एक फ्लुएंसी जरूरी है और एक रिफॉर्म्स जरूरी है जैसे अभी फीफा का एग्जाम्पल दिया फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉल गवर्निंग बॉडी को सस्पेंड कर दिया था बाद में वो लिफ्ट हुआ बैन द होल आइडिया इज स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में एक क्लियर कट पॉलिसी इज रिक्वायर्ड अ सेंसर इज नॉट अबाउट काउंटिंग शीप इस आर्टिकल में प्राइमरली बात किया है सेंसस मतलब क्या होता है गिनती करना जितने भी लोग हैं इंडिया में जितनी भी जनसंख्या है उसकी गिनती करना दैट इज कॉल्ड सेंसस सो सेंसस वैसे तो 1872 में स्टार्ट हुआ था बट प्रॉपर सेंसस 1881 से हुआ और ये कंटिन्यूड रहा 2011 तक 2021 का सेंसस हो रहा था बट 2021 में आ गया कोविड 19 और डिफिकल्टीज आई सो द आइडिया इज अब कोविड नाइन्टीन भी लाइक लास्ट लेग्स पे है तो सेंसस टाइम पे कराना जरूरी है सेंसस की हिस्ट्री देखें तो एंटी स्लेवरी कैंपेन के टाइम से सेंसस प्रोमिनेंट हो गया था बिकॉज यू नो जब तक गवर्नमेंट को पता नहीं है कि सब्जेक्ट क्या है गवर्न किस को कर रहे हैं तब तक प्रॉपर गवर्नेंस कैसे पॉसिबल है सो दैट इज वाई सेंसस इज वेरी मच रिक्वायर्ड हर किसी जन का जिसने एक राज्य बनाया है जिसने एक स्टेट बनाया है उस जन की संख्या का ज्ञात होना बहुत एसेंशियल है जनसंख्या तो कोविड नाइन्टीन के कारण ये डिले हुआ बट अब इसको टाइम पे कराने की जरूरत है सेंसस में वेरियड टाइप ऑफ डेटा आता है एज जेंडर इकोनॉमिक स्टेटस रिलीजन लैंग्वेज इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है तो ये टाइम टू टाइम कराना बहुत एसेंशियल है और सेंसस की प्रोसेस भी ऐसी हो कि इसमें लैपसेस नहीं हो लैपसेस नहीं हो एक्यूरेसी ज़्यादा हो रिलायबिलिटी ज़्यादा हो क्योंकि जैसे पॉपुलेशन में ही हम देखते हैं टी जो है वो 2.1 पॉइंट अप्रोच कर रहा है मतलब पॉपुलेशन इंडिया की स्टेबल होने वाली है फिर थोड़े टाइम बाद डिक्लाइन होगी पॉपुलेशन बिकॉज नंबर्स कम हो रहे हैं अब so सो अगर सेंसस होता है तो हमारे पास एक्यूरेट डेटा आता है और उस एक्यूरेट डेटा से आप पॉलिसी फॉर्मोलेसन कर सकते हैं तो डेटा गैदरिंग इज इम्पॉर्टेंट सेंसस वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट सेंसस रिलेटेड डेटा ऑथेंटिक होना चाहिए रिलायबल होना चाहिए साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू कलेक्ट होना चाहिए तो द आइडिया इज कि दिस सेंसर्स इज रिक्वायर्ड बाकी यहाँ पे एक और बात है कि जैसे क्रिमिनल्स का जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है क्या वो फिर प्राइवेसी के अगेंस्ट जाता है सिमिलरली सेंसस में कुछ जो डेटा होता है क्या वो सेंसिटिव है डेटा तो उस डेटा को हैंडल कैसे किया जाएगा इन सब चीज़ों पे भी फाइन लाइन एक ज़रूरी है प्राइवेसी प्राइवेसी जरूरी है और बायोमेट्रिक्स अगर गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है बायोमेट्रिक्स का मतलब है जैसे कि रेटिना या फिर बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स कॉन्विक्ट के अरेस्टेड डिटेन पर्सनस के बायोलॉजिकल सैम्पल्स कलेक्ट हो रहे हैं दिस क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल में सो so, यहाँ प्राइवेसी एक इंपॉर्टेंट इशू होगा प्राइवेसी को भी ध्यान रखना जरूरी है सो द होल आइडिया ऑफ दिस आर्टिकल इज सेंसस इज वेरी मच रिक्वायर्ड शुड द इलेक्शन कमीशन इन्जिस्ट ऑन इंटर पार्टी इलेक्शन एंड ये है केरला का दिस ममला पुजा डैम मॉनसून केरला में भी बहुत सीवियर है और यहाँ पर दिस टाइप ऑफ फ्लडिंग सी ईरान ने अनवील किया मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल महिंद्रा ई व्हीकल का जमाना है देन राइस प्रोडक्शन इस बार थोड़ा कम हो सकता है पैडी देन अमेरिकन सप्लाई फॉर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ये किर्गिस्तान ताजिकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और यहाँ पर लिखा है द केस ऑफ निकाह हलाला इन इंडिया एंड अ लॉन्ग कोर्ट बैटल इंडिया में इंडिया इंडिया इज अ मॉडर्न प्रोग्रेसिव कंट्री सो द पॉइंट इज कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए जैसे ट्रिपल तलाक जैसी जो प्रैक्टिसेस है जो कि आउटराइटली रॉन्ग है सच टाइप ऑफ प्रैक्टिस को ऑनरेबल कोर्ट ने बैन कर दिया एट टाइम्स क्या होता है रिलीजियस प्रैक्टिस होती है अब रिलीजियस प्रैक्टिस एट टाइम्स ऑर्थोडॉक्सी होती है या फिर वो नॉट सुटेबल फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड होती है मॉडर्न वर्ल्ड प्रेजेंट टाइम होती है सिमिलर चीज़ हम ईरान में भी देख रहे हैं ईरान में भी देख रहे हैं कि जो ऑर्थोडॉक्सी है या फिर अगर फोर्ज अगर यहाँ पर फोर्ज अगर गवर्नमेंट फोर्ज अगर दिस एम्प्लॉय होता है डिप्लॉय होता है तो दैट इज़ वाई विच इज़ नॉट राइट सो दैट इज़ वाई हमारे यहाँ रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी है रिफॉर्म्स हमने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है मॉडर्न हिस्ट्री में क्लियरली लिखा है कि, कि किस तरीके से रिलीजियस रिफ़ॉर्म्स किए गए थे रिलीजियस रिफ़ॉर्म्स बिकॉज टाइम के साथ सिचुएशन चेंज होना चाहिए टाइम के साथ लॉज चेंज होना चाहिए सो द पॉइंट इज़ कि जैसे कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया बट ये जो निकाह हलाला है इस पर अभी साइलेंट है सो द आइडिया इज़ अगर ये कोर्ट फिर से इस पे इंटरवीन करे और जो प्रैक्टिसेस रॉन्ग है उनको अगर करेक्ट करे तो देट शुड बी द वे फॉरवर्ड इससे रिलेटेड एक और टॉपिक आ जाता है वो मुद्दा ये होता है कि इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम का राइट right दिया हुआ है रिलीजियस फ्रीडम का राइट right दिया हुआ है बट एट द सेम टाइम हमारे यहाँ राइट टू लाइफ भी है आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21 में क्लियरली लिखा हुआ है राइट टू लिव विद डिग्निटी राइट टू लिव विद डिग्निटी सो दैट इज़ वाई और हमारे यहाँ डी भी है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी हमें लिखा है कि वी शुड बी रिस्पेक्टफुल एंड वी शुड हैव दिस modern साइंटिफिक आउटलुक लाइक दैट सो द आइडिया इज जब इस टाइप के क्लैशेज होते हैं क्लैशेज होते हैं रिलीजियस प्रैक्टिसज में और मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल एथोज में तब क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए इसकी एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनने की बात थी बिफोर कोविड बट वो समाव डिले हो गया है लेट एस सी इस पर अभी और आगे क्या डिसीजन आते हैं बट जो ओवरऑल जो हमारा डायरेक्शन है इवन ईरान के केस में भी जो हम देख रहे हैं द आइडिया इज द वर्ल्ड प्रोग्रेस वर्ड मॉडर्न आउटलुक इज रिक्वायर्ड नो यूर इंग्लिश और उसमें देन right right ये ई डॉट जी और आई डॉट ई होता है अक्सर हम दोनों को एक ही बोल देते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है आई डॉट ई मतलब होता है दैट इज टू सेमली जैसे दैट इज टू से नाम बता दिया ई डॉट जी मतलब हम बोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल फ़ॉर एक्ज़ाम्पल फॉर इंस्टेंस फॉर इंस्टेंस फॉर एग्ज़ाम्पल यू मस्ट अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस फॉर एग्जाम्पल थिएटर्स कोविड नाइन्टीन का थ्रेट है मॉडर्न टेंडेंसी इज टू से फॉर इंस्टेंस फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ टू से अभी जो प्राइमरली अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट में देखें ना तो इतना फाइन डिटेल्स नहीं देखते हैं बोथ आर एक्सेप्टेबल हम अक्सर वर्ड्स को यहाँ पे इंटरचेंजेबली भी यूज़ करते हैं बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है डिसअग्रीमेंट द एज ऑफ रिटायरमेंट हैज़ बीन द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स एम्प्लॉय डिस्प्यूट है उसमें कंटेंशन ओके देन इसके बाद है डिफर फ्राम और डिफर विद डिफर फ्राम जैसे चौक इज डिफरेंट फ्राम चीज शी इज डिफरेंट फ्रॉम हर ब्रदर सो द आइडिया इज हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं वेन इट इज यूज इन देंस ऑफ डिसअग्री यू कैन इधर यूज वर्ड फ्राम और विद दोनों करेक्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल आई डिफर विद हिम ऑन दिस क्वेश्चन मेरा ओपिनियन डिफरेंट है आई डिफर फ्राम हेन ऑन दिस क्वेश्चन दैट्स ऑल ओके सो डिफर फ्राम एंड डिफर विद जब ओपिनियन या डिसअग्रीमेंट की बात हो रही है तो आप दोनों वर्ड इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो बट जब कंपेरिजन वगैरह हम कर रहे हैं तो हम डिफरेंट फ्राम करेंगे ओके चौक इज डिफरेंट फ्राम चीज

EWS quota claims to be poorest of, be for poorest for poor, but denies most deprived. Main problem is how would you identify? आप आइडेंटिफ़ाई कैसे करोगे कि हु आर पुअरेस्ट ऑफ़ पुअर हर जगह बेनिफिट्स देने में यही प्रॉब्लम आती है हाउ वुड यू आइडेंटिफाई एंड फिर वो बेनिफिट आप आइडेंटिफाइड पर्सन तक कैसे पहुंचाओगे दिस इज़ मेन प्रॉब्लम जो इवन एस सी एस टी ओ बी सी रिजर्वेशन में भी देखने को मिलती है जिसको एक्चुअल में ज़रूरत है उस तक बेनिफिट कैसे पहुंचाया जाए

देन ईरान कर्ब इंटरनेट एक्सेस प्रोटेस्ट क्लेम दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट देन चाइना में भी अभी बड़े स्टोरीज चल रही है अभी इंटरेस्टिंग देन रुपीज स्लाई रुपीज स्लाइड्स टू न्यू लॉ एटी पॉइंट सेवन नाइन दिस इज अ डिफिकल्टी ओ टी टी एप्स बैंक में रेज मोर कैपिटल वाया बॉन्ड्स आज मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया ना उसको अभी आप देखो उसको मैं क्लास में भी एक बार और बता दूँ लेटस डू वन थिंग आपको जो भी डाउट्स आते हैं जो भी डाउट्स आते हैं आप मुझे उससे सारे मुझसे शेयर कर दिया करो आप, आपके पास मेरा व्हाट्सएप है जस्ट शेयर इट। अगर मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी नहीं करूँगा तो हमारी जो क्लासेस होती है ना उसमें मैं विद इन द वीडियो आपके सारे जवाबों का आंसर दे दूँगा ओके सो ये है बॉन्ड्स जो आपने पूछा था बॉन्ड्स शेयर्स डिबेंचर्स में डिफरेंस देन ई ट्रेड गवर्नमेंट रिवर्क कर रही है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ओके okay? दिस इज स्पोर्ट्स तो ये तो ट्वेंटी थर्ड का द हिंदू ट्वेंटी थर्ड का ही इंडियन एक्सप्रेस देखते हैं अब सी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस कैन बी टेम्पररी डज ई डब्ल्यू एस नीड्स अफर्मेटिव एक्शन नॉट कोटा सुप्रीम कोर्ट ने कहा सपोज इफ अ स्टूडेंट इज प्रिपेरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एंड बिकॉज वो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो बहुत सारा जो दूसरा वर्क है वो नहीं ले रहा है वो ग्रेजुएट है वेल well क्वालिफाइड है बट वो वर्क नहीं कर रहा है वाई बिकॉज उसका माइंड एट एनर्जी फोकस्ड है टूवर्ड्स दिस प्रिपरेशन अब बिकॉज प्रिपरेशन है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है तो वो स्टूडेंट तो फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंडीशन में भी आ सकता है बट क्या वो एक्चुअली में इकोनॉमिक बैकवर्ड होगा दिस इज अ क्वेश्चन इकोनॉमिक बैकवर्डनेस कैन बी टेम्पररी तो आप उस बेसिस पे परमानेंट रिजर्वेशन कैसे प्रोवाइड करा सकते हो दिस इज अ वैलिड क्वेश्चन देन विमेंस डे इन यूपी असेंबली यू एन एस सी जयशंकर साहब टेक्स टफ स्टैंड ऑन रशिया और जयशंकर साहब इज ऑन फायर देन दिस इज दिस कैन नॉट बी एन इरा ऑफ वॉर सो इंडिया ने बहुत क्लियर वर्ड्स में कहा था पहले दिस फ्रांस और फिर जर्मनी ने भी इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया है हमारा भी अब लाइन क्या होगा हमारा लाइन भी यही होगा लेट मी एम्फिस एम्फिसाइज़ दैट इवन इन कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन देर कैन बी नो जस्टिफिकेशन फॉर वायोलेशन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स और ऑफ इंटरनेशनल लॉ ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन इंटरनेशनल लॉ को फॉलो नहीं करना ये चीज रॉन्ग है सो ये हमने बताया रशिया यूक्रेन क्राइसिस में देन 5G जी रोल आउट हो रहा है आज कोई डेट आया है फर्स्ट ऑफ आई थिंक अक्टूबर से 5G स्टार्ट हो जाएगा ऐसा कुछ सोशल मीडिया में भी आ रहा था 5G का रोल आउट

ये दिल्ली है दिल्ली को फ्लडिंग होने का कोई रीज़न बनता नहीं है रीज़न केवल जोग्राफिकल रीज़न नहीं बनता जैसे मुंबई का है मुंबई का तो एलिवेशन इज़ वेरी लो तो मुंबई में तो फ्लडिंग मतलब समझ में आता है फ्लडिंग इज़ देर बट दिल्ली कोलकाता या फिर से हैदराबाद में या फिर पुणे में यहाँ फ्लडिंग होती है देन इट इज़ मोर अबाउट की एंथ्रोपोजेनिक है दिस इज़ पुअर अर्बन प्लानिंग सो द आइडिया इज की अभी बहुत ज्यादा रेनफॉल हुआ कल बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी पावर कट भी था येलो अलर्ट दिल्ली में इशू हुआ देन स्कूल्स वगैरह क्लोज हो गए वर्क फ्रॉम होम सबको बोला गया सो दिस इज डेज अहेड अब ट्रैफिक कंजेशन कैसे सॉल्व करें अब देखो न्यूज पढ़ने का ये बेनिफिट है ये जो पॉइंट्स है ना एज इट इज ये पॉइंट्स आप अभी मेन्स में लिख दो ऑन स्ट्रीट पार्किंग ऑन माइनर रोड माइनर रोड पे पार्किंग हो सेग्रीगेटेड पार्किंग लेन हो साइकिल रिक्शा और ई रिक्शा ज्यादातर जो ट्रैफिक होता है वो बिकॉज ऑफ दिस साइकिल रिक्शा एंड ई रिक्शा होता है या फिर टू व्हीलर्स रूल्स फॉलो नहीं करते ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते उसके कारण डिफिकल्टी आती है रीडिजाइन ऑफ सिग्नल्स इंक्लूडिंग नो फ्री लेफ्ट टर्न एंड ऑल रेड फेज हो कई बार हम लेफ्ट एंड राइट देखते नहीं ऑल ऑफ अ सडन गाड़ी मोड़ लेते हैं एंड देन एक्सीडेंट हो जाता है पेडेस्ट्रियंस क्रॉसिंग एट ग्रेड एज वेल एज थ्रू मेट्रो स्टेशन पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग देन बस बे होना चाहिए जिसमें केवल बस को रन कर रहे हैं देन ऑल्टरनेटिव बस स्टॉप लोकेशन होना चाहिए ट्रैफिक सूट जो रोड ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए सेग्रीगेट करो अलग अलग करो पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ जोन्स को पोटेंशियल स्पेस बनाओ मेट्रो मेट्रोकॉम्यूटर्स वगैरह इन सब के लिए तो अगर फ्यूल इस तरीके से ट्रैफिक को हम कम करेंगे तो फ्यूल भी कंजर्वेशन काफ़ी होगा पेट्रोल डीजल सी एन जी सी फ्यूल कंजम्पशन कम होगा और एमिशन भी कम होगा सो so, ट्रैफिक के अगर प्रॉब्लम को ट्रैफिक ब्लूज को हम सॉल्व कर लें टाइम सेव हो रहा है एफिशिएंसी आ रही है फ्यूल बच रहा है और एनवाइमेंट भी पॉल्यूट नहीं हो रहा है सो दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जयशंकर साहब मीट्स क्लेवरली रेजेज यू के वॉयलेंस इशू देन प्रॉफिट इन हेट सी ये जितना भी जैसे एक मूवी आया था रॉक उसका एक डायलॉग है जो नेगेटिव है हेट है वो बिकता है बिकॉज दे ट्राई टू प्ले विद योर साइकोलॉजी सो अच्छी चीज़ है हमारा उस पर अटेंशन नहीं जाता बट अगर समथिंग इज़ नेगेटिव समथिंग इज़ हेटफुल समथिंग इज़ आउट राइटली नॉन सेंस सारा टाइम अटेंशन टी आर पी व्यूज वीडियो सब इस वन पर्सन पे चला जाता है और इस वन पर्सन को बिकॉज इतना अटेंशन मिल रहा है इतना व्यूज मिल रहा है तो ऑब्वियसली पैसा आ रहा है सो दैट इज़ वाई एवरीबडी विल बी एनकरेज टू डू दिस थिंग एनकरेज टू डू दिस थिंग सच टाइप ऑफ वीडियो ज़्यादा होंगे हेट के थ्रू करियर प्रोग्रेस होगा सो द पॉइंट इज ये चीज़ लॉ के थ्रू बैन करें वो तो है साथ ही साथ हम भी जो ऑर्डिनरी यूजर है वो समझे इस बात को और इस ट्रैप में नहीं फंसे ट्रैप में नहीं फंसे बिकॉज ऑल दे वॉन्ट इज योर अटेंशन ऑल दे वॉन्ट इज योर अटेंशन डोंट गिव इट देन दिस इज लेट द रुपी फॉल अब हमारा फॉरेक्स रिजर्व काफी कम हो गया है रुपी थोड़ा ज्यादा वैल्युएशन भी इसका बताया जा रहा था तो अभी प्रॉबेबली ये एट्टी से और नीचे जाएगा अभी मतलब एट्टी फाइव नाइन्टी तक भी जा सकता है केज्ड पैरट ब्रिंगिंग बीजिंग टू बुक मैसेज फ्रॉम मॉस्को देन पी एफ आई एंड दिस इज वॉट चेंजेस अकाउंट सिस्टम एंड देन सी दिस इज सो अनफॉर्चुनेट यहाँ पे जो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन तेहरान में नजर आ रही है ईरान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन क्लियर ह्यूमन राइट्स वायलेशन देन सो दैट इज व्हाई पीपल हैव टू राइज पीपल हैव टू राइज 80.86 हुआ 2 परसेंट इन्फ्लेशन गोल टैम्परिंग लेबर मार्केट रिजिलियंस देन दिस इज व्हाट्सएप में

वेबसाइट है देन जितने लॉज हैं जितनी गवर्नमेंट पुलिस फोर्स है इवन सोसाइटी है एवरीबडी सब आपके फेवर में है सो द आइडिया इज टेक हेल्प टेक हेल्प ये जो फ्रॉडलेंट मैसेजेस हैं स्पैम कॉल्स हैं साइबर फ्रॉड्स है फिशिंग है हनी ट्रैप है, है इन सब चीज़ों से भी केयरफुल एंड यू हैव गॉट दिस साइबर डॉट इन सो so, अब क्या होगा गवर्नमेंट एक प्रॉपर लॉ ला रही है इन सारे इन सारे जो डिफिकल्टीज है साइबर वर्ल्ड में उसको एड्रेस करने के लिए दिस इज टेकिंग कवर हैवी रेनफॉल एंड तमिलनाडु फॉरेस्ट ऑफिशियल्स लर्न द लैंग्वेज ऑफ एलिफेंट लैंग्वेज ऑफ एलिफेंट करेंसी प्रेशर ये जो पहला एडिटोरियल है उसमें ये लिखा है कि फेडरल रिजर्व जो यूएसए का है वो इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए रेट हाइक कर रहा है मतलब टाइटर मॉनिटरी पॉलिसी अपना रहा है रेट हाइक होगा तो यूएस में यूएस में इन्वेस्टमेंट के ज़्यादा पैसे मिलेंगे उनको पहले यूएस में रेट्स बहुत कम थे तो लोगों ने क्या किया वहां का जो एक्स्ट्रा सरप्लस मनी था वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के मार्केट में और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बट अब यूएस में भी रेट्स अप हो गए तो दे आर नाउ पुलिंग आउट दिस मनी फ्रॉम से इंडिया साउथ एशिया साउथ कोरिया जापान एटसेट्रा एंड इसको वापस वो यूएस लेके आ रहे है तो जो साउथ एशिया और डेवलपिंग कंट्रीज़ की इकोनॉमीज हैं वो हीट फील कर रहे हैं डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो डॉलर के कंपेरिजन में एवरी अदर करेंसी एवरी अदर करेंसी यहाँ पर वीकन हुई है जो रुपी है वो भी अप्रोक्सीमेटली एट परसेंट वीकन हुआ है आरबीआई बी को कभी भी रेगुलेट नहीं करती कि रूपी को सेवेंटी फाइव भी बनाए रखना है या एट्टी भी बनाए रखना है नो no. आरबीआई का मैंडेट है रूपी अपनी जो पोजिशन है ऑटोमेटिकली डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग उसको रीच करे आरबीआई इंटरवीन नहीं करेगी आरबीआई उसको क्वेश्चन करती है क्वेश्चन करती है ऐसा नहीं कि आज हम देख रहे हैं अस्सी कल सुबह उठे तो एट्टी फाइव हो गया ऐसा नहीं आरबीआई इसको आरबीआईन करेगी ताकि ये जो चेंज हो ग्राज्वल हो ग्राज्वल हो वो ग्रेजुअल ग्रेजुअल सो अब आरबीआई का यहां पे देखते हैं बट द प्रॉब्लम इज ये जो क्वेश्चनिंग देने के लिए हमें अपने पॉकेट से पैसे खर्च करने पड़ते हैं सो दैट इज वाई हमारा फॉरेक्स रिजर्व 545.65 बिलियन पे पहुंच गया जो कहा साढ़े छह बिलियन तक पहुंच गया था सो दिस इज अगेन वन कॉज ऑफ वरी फॉरेक्स रिजर्व का मतलब है आपके पास कितने पैसे जितना आपके पास पैसा है उतना ही आप बाहर से सामान खरीद सकते हो इंपोर्ट कर सकते हो सो दैट इज वाई एक हेल्दी फॉरेक्स रिजर्व भी ज़रूरी होगा अब पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड है डिमांड भी राइज हो रही है इम्पोर्ट भी राइज होगा यूक्रेन क्राइसिस इज अ डिफिकल्टी ओवरसीज इन्वेस्टर अभी यूएस के रेसेशन से काफ़ी पैनिक्ड है सो so इस पूरे बैकड्रॉप में हमें रूपी को स्टेबलाइज करने का एक बहुत बड़ा प्रेशर है आरबीआई के पास लेटेस्ट सी दिस इज एजिंगल रिफॉर्म इज ट्रिगरिंग प्रोटेस्ट द ग्लोबल साउथ इन जियो पॉलिटिक्स अपसी ये जो आर्टिकल है इस आर्टिकल का ना कल थोड़ा वैल्यू डिफरेंट हो सकता है बिकॉज लेटेस्टली चाइना से क्या न्यूज आती है बट आज की डेट में बात करें तो प्राइमरली इस आर्टिकल में ये ही लिखा हुआ है कि जो एशिया का सेंचुरी है ये एशियन पावर्स को जो जैसे ब्रिटेन वुड ट्विन हुआ यूएस या फिर यूरोप लेड इंस्टीट्यूशनस है बिकॉज इन्होंने वर्ल्ड वॉर टू जीता था तो जो बाद का ये जो सेवनटी फाइव एटी सेवनटी फाइव ईयर्स हुए हैं आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू सेवनटी फाइव एटी ईयर्स ये जो ईयर्स हैं सेवेंटी फाइव एटी ईयर्स ये डोमिनेटेड बाय विनर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू है विनर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू बट इसमें आज का जो टाइम है 2022 इसमें इंडिया इज अ स्ट्रांग कंट्री चाइना इज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री जापान इज देयर साउथ कोरिया इज देयर देर आर सो मेनी रीजनल पावर्स एशिया इज इम्पॉर्टेंट सो द वर्ल्ड शुड ऑल्सो एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ एशिया सो इकोनमिकल रीच जैसे चाइना की अब बहुत तेजी से बढ़ी है बट स्टिल यू फॉर बट चाइना एक चैलेंजर की तरह उभरा है यूएसए को रशिया भी अपनी अब एशियन आइडेंटिटी को ज्यादा एक्सप्लोर कर रहा है जैसे ईस्टर्न रशिया में कॉन्क्लेव में अभी जो एक्सरसाइज uh, हुआ ईस्टर्न फ्रंट पे जिसमें इंडिया ने भी काफी इन्वेस्टमेंट किया है ईस्टर्न फ्रंट पे सो द आइडिया इज रशिया चाइना का अलायंस है ग्लोबल साउथ जो है वो यहां पे डोमिनेट कर सकता है प्लस रशिया के बाद अगर यूएस की भी देखें तो यूएस जो वर्ल्ड पुलिस है इराक हुआ लेबनान हुआ लिबिया हुआ अफगानिस्तान हुआ यमन सीरिया तो द आइडिया इज यूएस का बहुत अच्छा यहाँ पे दिस ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है so, सो अभी एशिया को अपने हिसाब से वर्ल्ड को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है सो so, चाइना मार्च कर रहा है चाइना मार्च कर रहा है इसमें आई एम सेइंग टू वेट एंड वॉच बिकॉज लेटेस्ट सी अभी चाइना से काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है लेट अस सी बट चाइना का अगर थ्रेट आता है तो इंडिया को उसको काउंटर करना पड़ेगा सो दैट इज वाई इंडिया के लिए यूएस इज वेरी इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल अग्रीमेंट जो हमने यूएसए के साथ किए बट एट द सेम टाइम हमने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी कर लिया रशिया के साथ भी सो वी आर फ्रेंड विद ईरान वी आर फ्रेंड विद सऊदी अरेबिया और ये दोनों फाइट करते हैं तो वी आर फ्रेंड विद ईरान वी आर फ्रेंड विद सऊदी अरेबिया वी आर फ्रेंड विद रशिया वी आर फ्रेंड विद यूएसए एज वेल और इन दोनों के बीच में नहीं बनती सो so इंडिया जिस तरीके से आई को आगे बढ़ा रहा है वो इंटरेस्ट ऑफ इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है इंडिया के लिए इंडिया बायज नहीं है इंडिया के लिए इंडिया फर्स्ट है हम अपने इंटरेस्ट को सबसे आगे रखेंगे और हम एक हैप्पी कॉर्डियल रिलेशन सारे कंट्रीज से इंडियन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये वॉस्टॉक एक्सरसाइज है ईस्टर्न रशिया पर सो द आइडिया इज जियो पॉलिटिक्स है जियो इकोनॉमिक्स भी है बिकॉज सी एक तरफ तो बॉर्डर इशू होता है चाइना के साथ पर जब बात आती है पैसे की ट्रेड की तो इंडिया और चाइना का ट्रेड इजोन रैपिडली राइज हो रहा है रैपिडली बूम कर रहा है सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग हिस्टोरिकल जियो पॉलिटिकल ट्रबल्स रही है हमेशा से इज़राइल और यू ए ई के पास बट जब बात पैसे की आती है तो इज़राइल एंड यू ए ई सी दे आर अगेन बिकमिंग वेरी गुड फ्रेंड्स सो जियो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर so जी ग्लोबल साउथ पॉलिटिक्स इन अफ्रीका वैल्यूएबल फ्रेंड है ह्यूमन बींग का ह्यूमन रेस का देर इज नो डाउट अबाउट दैट बट जब स्ट्रीट डॉग्स की बात आती है स्ट्रे डॉग्स की बात आती है तो रेबीज को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और अक्सर रैबिट डॉग है उसने बाइट कर लिया बच्चों को एल्डरली को एनी अगर इंजेक्शंस नहीं है वैक्सीनेशन नहीं है तो फिर ये एक बेग कॉज ऑफ वरी है अक्सर हम ऐसा भी देखते हैं कि इन दी एंड जो एनिमल है वो एनिमल है योर डॉग इज़ वेल ट्रेनड योर डॉग इज़ वेल ट्रेंड आपने उसको डोमेस्टिकेट किया है आपका पेट डॉग है बट एट टाइम्स हम देखते हैं कि वी लिव इन अ सोसाइटी वी लिव इन से हम कॉमन प्लेज यूज़ करते हैं जैसे कि लिफ्ट हुआ कॉमन प्लेस हॉल्स एट्सट्रा हुआ ऐसे बहुत सारे केसेज आ रहे हैं जहाँ डॉग बाइट एक सीवियर एक इम्पॉर्टेंट ईश्यू बन रहा है सो दैट इज़ वाई इसका एक सोल्यूशन निकालना भी ज़रूरी है उंसिल रिफॉर्म है ये जी फोर कंट्रीज है जर्मनी ब्राजील जापान एंड इंडिया इनको देखो परमानेंट सीट नहीं मिला है सो दे आर से यू एन एस सी में रिफॉर्म जरूरी है देन रशियन ऑयल है महाराजाज बर्थ डे सेबरेटेड विद फॉर इन जम्मू में डिफिकल्टी है चाइल्ड मैरिज और इसका डेटा ड्रॉलूशन जरूरी है जब से कोविड नाइन्टीन हुआ स्कूल्स बंद हुए तो चाइल्ड मैरिज के केसेस बढ़े हैं लेस देन एटीन इज नॉट अलाउड लेस देन एटीन नहीं लेस देन ट्वेंटी वन अब हो गया है लेस देन ट्वेंटी वन इज नॉट अलाउड चाहे वो मेन है चाहे मेल है या फीमेल है ओके सो so, अम्बेडकर टूरिस्ट सर्किट ओनली एड्स नेशनलिस्टिक नेरेटिव एंड दिस इज़ हिस्टोरिक यू के कैसल मिस्टर शी सेंस मैसेज यहाँ बहुत डेवलपमेंट हो रहे हैं अभी चाइना में लेटेस्ट वेट एंड वॉच सेंसेक्स निफ्टी फॉल वन पॉइंट सेवन परसेंट इंडस्ट्री रेमिजन मांग रही है फॉरन ट्रेड पॉलिसी से ओके एंड दिस इज स्पोर्ट्स दिस इज स्पोर्ट्स ओके सो दिस इज दिंदू अब हम चौबीस का इंडियन एक्सप्रेस देखते हैं सो अर्बन नक्सल्स एंड सम ग्लोबल बॉडीज ब्लॉकिंग इंफ्रा प्राइम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट है देन शार्प राइज इन हेट क्राइम्स इन कैनेडा नो दिस इज ऑल्सो कॉज ऑफ़ वरी इंडियन एडवाइजरी टू इट्स नेशनल्स अक्सर विदेशों में भी दिस जीनोफीबिया जीनोफोबिया आ गया जीनोफोबिया बाहरी लोगों के लिए दिस एक फीयर फीयर का सेंस बिकॉज रिसोर्सिस लिमिटेड है रिसोर्स लिमिटेड है मोर नंबर ऑफ पीपल आते हैं रिसोर्सेज लिमिटेड है तो डिफिकल्टी होती है बट इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि माइग्रेंट्स आर बैड बिकॉज माइग्रेंट्स फ्यूल करते हैं इकोनॉमी को ये यूएस हुआ कैनेडा हुआ ये इतने सुपर पावर इतने डेवलप्ड कंट्रीज बिकॉज ऑफ माइग्रेंट्स बने माइग्रेंट्स उनके एफर्ट्स उनका हार्ड वर्क सो दैट कैन ऑल्सो नॉट बी इग्नोर्ड और डिनाइड इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ अ बायोलिट्रल मैटर वी विल स्टे अवे रशिया एंड वॉय ने कहा इंडिया चाइना आईडी बॉम्बे फेवरेट है रेनफॉल सी मिलेनियम सिटी दिस इज अवर कैपिटल सो दिस इज गुड़गांव देन इंटेंस स्पेल ऑफ रेन इन दिल्ली अन फॉर सेप्टेम्बर सो दैट इज व्हाट आई आई वाज़ टेलिंग यू स्पेटियल और टेंपोरल पैटर्न चेंज हो गया है मानसून का स्पेटियल एंड टेंपोरल पैटर्न देन अ स्कीम फॉर टीचर्स पी श्री पी श्री क्या है एक शॉर्ट नोट बनाइए पी श्री इंपॉर्टेंट स्कीम है इससे सवाल आएगा श्री ंग अवर सिटीज अर्बन प्लानिंग इज जरूरी कोलोनियल लेगेसी से बाहर निकले इट ऑल अबाउट माइंड सेट इंडिपेंडेंट सोवर एंड माइंड सेट बनाए डिवाइन टच ये क्या है पट्ट चित्र है पट्ट चित्र है पेंटिंग स्क्रॉल पेंटिंग क्लोथ बेस्ड स्क्रॉल पेंटिंग दुर्गो पूजो के लिए यह बनाई जा रही है फॉरेक्स रिजर्व काफी कम होता जा रहा है देन दिस इज इकोनॉमि अनादर फिफ्टी बेसिस पॉइंट अभी रेट हाइक और होने वाला है थोड़े टाइम पे इंडिया वॉन्ट्स वॉर टू एंड बिकॉज इससे लॉजिस्टिक्स चैलेंज भी आ रहे हैं और इंडिया अपना एक खुद यहाँ पर वर्ल्ड का रेस्पॉन्सिबल कंट्री और सोवर एन इंडिपेंडेंट कंट्री बिकॉज अनलाइक अदर कंट्री वी आर नॉट अ वासाल स्टेट ऑफ सम सुपर पॉवर वी हैव अवर इंडिपेंडेंट फॉरन पॉलिसी वी हैव एन इंडिपेंडेंट फॉरन पॉलिसी और उसमें जो इंडिया का स्टैंड है दिस इज वेरी एप्रिशिएबल दैन दिस इज दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस ओके सो दिस इज टूडेज न्यूज पेपर इसको अब क्विकली एक बार गो थ्रू कर लेना ट्वेंटी थर्ड एंड ट्वेंटी फोर्थ ओके सो कल फाइनली ऑप्शनल का एग्जाम है मीन्स का ऑल द बेस्ट ऑप्शनल बहुत अच्छे से करके आ रहा है ओके और फिर हमारा मेन्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ओवर होगा ऑल राइट सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ